अगर आपकी भी सांसें फूल रही हैं तो इन्हें फूलने दीजिए, अगर आपकी आंखें भी आंसुओं से डबडबाई हैं तो आज इन्हें बहने दीजिए, अगर आपका गला भी रुवांदा है तो आज रो लेने दीजिए, क्योंकि इस लम्हे का इंतजार हम और आपने साल 2011 से किया था। कमाल का मैच यार, मतलब सांसें थम गई थी। ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसका जो था, हर कोई कह रहा था कि नहीं भगवान, इस बार दिल नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। और शायद दुआओं का ही असर था कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मैच हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। 7 रनों से ये जीत जो है 2 ओवर पहले असंभव सी लग रही थी। 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे। 15 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 147 रन पर 4 विकेट थी। लगा खत्म हो गया यार, फिर एक बार कैसे हो सकता है। 2023 में ऐसे ही आंसू निकले थे, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता यार भगवान इस बार। और भगवान ने कहा हां नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, इस बार तुम जीत कर आओगे। और इंडिया जीत गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर न्यू वर्ल्ड चैंपियन। सारी दुनिया हम पर संदेह कर रही थी, लेकिन बुमराह ने, विराट ने, हर्षदीप ने, हार्दिक ने, अक्षर ने और टीम इंडिया ने, सूर्य कुमार यादव ने यह मेक श्योर किया कि हम और आप 13 साल बाद रो सकते हैं, 13 साल बाद इस रात के गवाह बन सकते हैं। हम और आप ये कह सकते हैं कि हमने ये मैच देखा था, हमने इंडिया को वहां से जीतते हुए देखा था जहां से जीत नहीं होती है। 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे और उसके बाद हम मैच जीत गए। बुमराह, हार्दिक, हार्दिक पांड्या, नो वन कैन रिप्लेस यू मैन, रिस्पेक्ट फॉर यू मैन, रिस्पेक्ट फॉर यू मैन। जसप्रीत बुमराह, अगर दुनिया में कोई जिता सकता था हमें तो वो तुम थे। 16वें ओवर में 4 रन, 18वें ओवर में 2 रन, आई मीन हाउ कैन इवन दिस पॉसिबल। टीम इंडिया वहां से मैच जीत कर आई जहां से नहीं जीता था। सूर्य कुमार यादव का वो कैच यार नहीं लगा था जीतेंगे, दिल पे हाथ रखे कह रहे लग गया था हार जाएंगे, लेकिन बस दिल में यह था कि अगर कोई कर सकता है तो बुमराह कर सकता है, और बुमराह ने करके दिखाया। 30 बॉल पर 30 रन चाहिए था और बुमराह ने करके दिखाया। विराट को रोते देखना, हार्दिक को रोते देखना, हार्दिक और रोहित को एक दूसरे को हक करते देखना, विराट और रोहित को एक दूसरे को हक करते देखना, ये नहीं महसूस किया था हमने, नहीं सोचा था। ये रॉ इमोशंस, आज पूरा हिंदुस्तान खुश है, गर्व है और बनता है हमारा यार, बनता है हमारा आज के दिन। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, राहुल द्रविड़ रिटायरमेंट का ऐलान हो गया, हो सकता है शायद रोहित भी रिटायर हो जाए। बट इंडिया ने क्या करके दिखाया। साउथ अफ्रीका, क्लासन उनके लिए बुरा लगता है बट हमारे लिए खुशी है, हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आई मीन दिस इज द पीक ऑफ इंडियन क्रिकेट, पीक ऑफ इंडियन क्रिकेट। 16वें ओवर में 4 रन, हार्दिक आया, क्लासन को पहली बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप कैच, हम सब ने कहा नहीं, कुछ जश्न नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। 18वें ओवर में बुमराह आया, 2 रन दिए, यैनसन को बोल्ड मारा, फिर लगा मैच नहीं बना, बीवी पट्टा, 12 बॉल पे 22 रन, अर्षदीप ने केवल 4 रन दिए, 20 रन जीते 12 बॉल पे 2 ओवर में, अर्षदीप ने 4 दिए, वहां से जान में जान आई। हार्दिक जब आया और लगा कि यार मामला फंस जाएगा, पहली बॉल मिलर सीधे फेंटा, सूर्य कुमार यादव ने अपने करियर का बेस्ट कैच पकड़ा और जो कैच पकड़ा उसने इंडिया को भावुक कर दिया। क्या कैच था यार, गेम चेंजिंग कैच, किस्मत यार, कमाल यार, कमाल है। बट व्हाट अ मैच यार। साउथ अफ्रीका को 16 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। हार्दिक पहली बॉल, वो विकेट, फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप चौका, सिंगल वाइड, विकेट एंड इंडिया वन द मैच। 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को और वो नहीं बना पाए, इंडिया ने 7 रन से मैच जीत लिया। रोहित शर्मा 9वां वर्ल्ड कप खेल रहे थे और उन्होंने करके दिखाया। पहला T20 वर्ल्ड कप रोहित ने खेला था, जीता था, उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 में नहीं जीता। सारी दुनिया सवाल उठाती थी कि यार हम क्यों नहीं जीतते। हार्दिक पांड्या, क्या कमाल के मैन प्लेयर यार, कमाल यार, हार्दिक कोई नहीं है तुम जैसा यार। इंडिया की बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी चीजें थी, कुलदीप वॉज नर्वस, अक्षर के ओवर बहुत रन गए थे, वो 22-24 रन यार, वो बहुत महंगा ओवर था, बट यू कंट्रोल्ड इट। विराट कोहली इस मैच के बाद रिटायर हो गए, विराट ने कहा कि मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप है और अब मैं चाहता हूं कि नई जनरेशन इसको आगे करे। हैप्पी फॉर विराट ऑल्सो,
अच्छे नोट पर आपने खत्म किया, आई मीन दैट्स अ गुड थिंग कि आपने इतने हाई नोट पे किया। इंडिया के फैंस खुश हैं, रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर जीतते देखना सुखद है, खुशी देता है, भारत का झंडा बारबाडोस में लहराता हुआ खुशी देता है, इंडियन टीम ये डिजर्व करती है, रोहित शर्मा ये डिजर्व करते हैं, कैप्टन रोहित डिजर्व करते हैं, और शायद यहाँ से इंडिया अलग लेवल पर जाएगी। हम गर्व से कह सकते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टैंड अप एंड अपलॉड द न्यू T20 वर्ल्ड चैंपियन, द न्यू T20 विनिंग कैप्टन रोहित गुरुनाथ शर्मा। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में अपने दम पर खेल बहुत सारे मैचेस जिताए और अपने हर खिलाड़ी पर भरोसा किया। उसने कहा कि विराट ने अपना बेस्ट आखिरी के लिए बचा के रखा, उसने कहा कि बुमराह कर सकता, अक्सर कर सकता, और इंडिया ने करके दिखाया, T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए। उफ, ODI वर्ल्ड कप में हम फाइनलिस्ट थे, सबका बदला ले लिया, सबका बदला ले लिया। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट, वी हैव डन इट, इंडिया हैव डन इट। बहुत पिटाई हुई भाई स्पिनर्स की आज, बहुत पिटाई हुई। 9 ओवर में स्पिनर्स ने 106 रन दिए हैं, आज हमारे पेसर्स ने 11 ओवर में 58 रन दिए हैं, 7 विकेट निकाले, दैट्स अ डिफरेंस। स्पिनर्स हमारी ताकत रहे। अर्शदीप सिंह, व्हाट अ बॉलर मैन, 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, शिट 19th ओवर क्या बॉलर था। गुमराह द ग्रेटेस्ट एवर बॉलर, 16th ओवर यार 4 ओवर में 30 रन चाहिए, 5 ओवर में 16 ओवर 4 रन, 18 ओवर 2 रन, उस मैच में जहां पर पिट पिट के लोगों की हालत खराब है, 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, दैट्स जसप्रीत बुमराह फॉर यू। विराट कोहली, व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ मैन। उफ, शुरू में स्लो, लेकिन पहले टिका, फिर थोड़ा स्लो, फिर लास्ट में कवर किया, अक्सर 31 बॉल 47 रन, आई मीन व्हाट अ मैन, व्हाट अ टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस, दिस टीम ट्रूली डिजर्व्स। जसप्रीत बुमराह 4 की इकॉनमी से रन दिए, दैट्स द बेस्ट बॉलिंग फिगर इन T20 वर्ल्ड कप, वी डिजर्व दिस वर्ल्ड कप। सारी दुनिया में लोग कुछ भी कहें, बट ये वर्ल्ड कप हम जितना डिजर्व करते थे, ये आंसू, ये भावुकता, ये सब डिजर्व करते थे, एंड वी वोंट लॉस मैच। India is the new world champion, ladies and gentlemen.